अगर कोई ऐसे इलाके में रहता है जहां दीन पर अमल मुमकिन नहीं है, तो उस पर वाजिब है कि वो हिजरत करे अगर उसमें इस्तेआत है, अगर उसमें ताकत है तो उस पर हिजरत करना लाजिम है। आप देख लें, आज लोग कॉल्स आती हैं कि बॉस जो है वो फर्ज नमाज नहीं पढ़ने देता, तो इस मजबूरी से हम नमाज छोड़ देते हैं। तो इस मजबूरी से तो वतन छोड़ना फर्ज है, जॉब छोड़ना क्यों फर्ज नहीं होगा भाई? अब समझ में आना खत्म हो गया यहां से। इस मजबूरी से मुल्क छोड़ देना क्या है? वाजिब है। क्या आप अगर किसी मुल्क में फराइज और वाजिबात को पूरे नहीं कर सकते तो अल्लाह का दीन पहले है, बाकी सब चीजें बाद में? आज फराइज और वाजिबात को हम लोगों ने बहुत हल्का ले लिया है, बहुत हल्का ले लिया है। तो इस्लाम के जो पांच अरकान हैं, इसी तरह जो चीजें फर्ज हैं, दाढ़ी रखना भी जरूरी है। अगर आपको जॉब में दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं दी जा रही तो फतवा यही है कि ऐसी जॉब फिर आपके लिए जायज नहीं। तनख्वाह हलाल है उसकी, क्योंकि वो तो काम की दी जा रही है, तनख्वाह तो काम के एवज में दी जा रही है ना, लेकिन आपके लिए ऐसी जॉब करना जायज नहीं है, वह आपको इजाजत नहीं है। शरीयत ने जो हुक्म दिया, नबी ने हुक्म दिया, आफुल लिहा, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है और पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। लोग हल्की छोटी छोटी बातों पे वो कर देते हैं कि यार वो असल में जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने दे रहा तो क्या करें, मजबूरी है, तो ये इजाजत नहीं है इसकी। इसी तरह आप अगर सूदी बैंक में जॉब करते हैं, इंश्योरेंस में जॉब करते हैं, ये जॉब भी आपके लिए जायज नहीं है। लोग कहते हैं मजबूरी में जायज है, तो हराम खाना जिस मजबूरी में जायज है वो भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया, फमनिल्तुर्राफी मखमसतिन, इतनी शदीद भूख में मुबतला हो जाओ कि मजबूर हो जाओ और डर हो कि अगर ये हराम नहीं खाया तो मौत वाक़े हो जाएगी, ऐसी सूरत में वो हराम हलाल हो जाता है। और इतने लुक्मे कि गैरा बागी वला आद, कि हद से तजावुज ना करे, ये नहीं कि उस हराम के कबाब बना के खाना शुरू कर दिए, इतना कि कमर सीधी हो जाए। समझ में आ रही है बात? लेकिन आज हमने एक जरूरत का जो है ना, खुद से एक मैयार बना लिया है कि बहुत सारी चीजें क्या कर दी हमने, जरूरी, एक्चुअली ये भी जरूरी। तो हर किस्म के मुफ्ती भी मार्केट में मिल जाते हैं आपको फतवा देने के लिए, क्योंकि कोई इस्लामी हुकूमत जो कंट्रोल करती ना लोगों को, उलमा को, कि भाई ये कोई मुस्तनद आलिम हो, ऐसा सेटअप अब क्या हो गया है, खत्म, खोला खाता है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हराम खाने की इजाजत नहीं है। बाज़ दफ़ा उलमा ये कहते हैं बैंक में जॉब करने वाले को, इंश्योरेंस में जॉब करने वाले को, कि दूसरी हलाल तलाश करते रहो, जब तक नहीं मिलती इसको करते रहो। तो याद रखें, मुफ्ती की इस किस्म की राय देने से वो जॉब हलाल नहीं हो जाती, गुना फिर भी है, क्योंकि हलाल और हराम करना किसका काम है? अल्लाह का। सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह का काम है तो मुफ्ती साहब ये क्यों कहते हैं कि करते रहो? वो इसलिए कहते हैं, उनको पता है कि अगर आपने छोड़ दी तो अभी तो हराम खा रहे हो ना, जब आजमाइश आएगी तो ईमान से भी जाओगे। तो वो कहते हैं अभी कम से कम मुसलमान है, जॉब छोड़ देगा तो काफिर हो जाएगा, इस डर से वो कह रहे होते हैं कि करता रहे, लेकिन वो हलाल फिर भी नहीं होती और उस पर चितरौल फिर भी क़यामत के दिन लगेंगे। नहीं आ रही बात? तो इसलिए जो उलमा मशवरा दे देते हैं ना बाज़ दफ़ा कि आप हराम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिलहाल करें जब तक, वो खैर ख्वाही में, उनको पता है कि ये है हराम लेकिन ये छोड़ेगा, तो अगर कोई आजमाइश आई रोड पे आ गया तो फिर बुरा भला किसको कहेगा? अल्लाह को। इस्लाम से हाथ ना धो ले तो वो बड़ी बुराई से बचने के लिए एक मशवरा तो नहीं होता है, ये फतवा नहीं होता कि ये हलाल है, हलाल नहीं होती वो। तो इसलिए हमारे हजरत ये कभी नहीं कहते थे कि जब तक दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तो इसको बाकी रखें। मुफ्ती रशीद अहमद साहब थे, वही हैं, वो कहते हैं मैं कैसे उसको कह दूं भाई एक गलत काम जिसको अल्लाह ने जायज़ नहीं कहा। वो ये मशवरा देते थे कि भाई आप जॉब तलाश करें, उस वक्त तक ये करें या ना करें ये मैं नहीं कह सकता आपको, क़यामत के दिन आपने अल्लाह को जवाब देना है।
آپ اگر اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہ اللہ چونکہ میری مجبوری تھی، میرے مسائل تھے، تو اس وجہ سے میں یہ کر رہا تھا، تو آپ کے پاس اگر ایسے دلائل ہیں کہ آپ اللہ کو قائل کر سکتے ہیں قیامت کے دن، تو ٹھیک ہے پھر کرتے رہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دلائل اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے تو پھر نہ کریں، تو اسی پہ ڈال دیتے تھے وہ کہ میں کیوں بولوں گے کر بھائی بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو. تو بھائی یہ جو ناجائز اور حرام کا معاملہ ہے یہ ہلکا نہیں ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شریعت کے حکم کو توڑ دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں. ایکچولی ایسے بھی لوگ ہیں یورپ میں، وہ خنزیر جو ہے وہ ڈبوں میں پیک کر کر کے گھروں میں کہہ رہے ہیں یار میں وہ میکڈونلڈ میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے وہ برگر پارسل کرنا ہوتا ہے، وہ برگر کس سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ اس میں خنزیر بھی ہوتا ہے، مجبوری ہے جاب تو کر. یہ خنزیر بانٹنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی مجبوری میں؟ شراب بانٹنی کہاں سے جائز ہو گئی؟ تو دیکھو دنیا جو ہے نا، دنیا یہ دارال یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ نے مومن کے لیے جنت بنائی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ دنیا میں اس کو آزمائشیں آئیں گی. یہ دنیا کافر کی جنت ہے، مومن کا قید خانہ ہے. آپ یہ چاہتے ہو کہ یہاں بھی مزے اڑاؤ اور وہاں بھی، تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو بولو نا بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ کافر کہے گا کہ تم بھی خنزیر بیچتے ہو، ہم بھی بیچتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، تم بس کھاتے نہیں ہو کیونکہ ویسے ابا دادا تمہارے کھاتے ہی نہیں، تمہیں تو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا ہے، اور درجنوں کھانے کی ویسے ہی اتنی چیزیں ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے خنزیر کھاؤ. تو یہ کوئی اتنی بڑی آزمائش تو نہیں ہوئی، کیا خیال ہے؟ تو ہم جہنم میں اور تم کہاں جنت میں. تو اس لیے ناجائز سے بچا کریں. ہاں بعض لوگوں کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے، خود سے جائز ناجائز کے فیصلے بولو بھائی.